नया सेल्फ रिले लगाने के बाद भी ये बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही, जबकि पुराना वाला भी सही है और नया वाला भी बिल्कुल नया, वो भी बिल्कुल सही है, फिर भी हमारी बाइक सेल्फ से स्टार्ट क्यों नहीं हो रही आखिर, चलो ये बताते हैं आप लोगों को। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे दो वायर आप लोगों को दिख रही होंगी, एक ब्लू और ब्लैक, और यहाँ पे अगर आगे तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी ये देखो ब्लू और ब्लैक जो इसके बटन से आती है, सेल्फ वाले बटन से। और यहाँ पे हम इस वाली वायर और ये वाली वायर दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो हमारी बाइक स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये तो चलो प्लास लेते हैं और इससे यहाँ से दोनों को अटैच करके स्टार्ट करके देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास टीवीएस की विक्टर 3 वॉल वाली बाइक है और इसको मैंने आगे से भी खोल दिया है और साइड का जो पैनल वगैरह है वो सब खोल दिया है और इसकी जो बैटरी है वो भी मैंने नई इसमें इंस्टॉल कर दी है। देखो नई बैटरी लगा दिया है और इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा है। ये देखो टाटा की न्यू ब्रांड बैटरी लगाई मैंने इसमें, अभी आज ही लगाई है न्यू ब्रांड, और फिर भी ये बैटरी लगाने के बाद सेल्फ स्टार्ट हो जानी चाहिए बट ये जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैंने सारा कुछ इसीलिए खोला था ताकि आप लोगों के समझ में आए वायरिंग में प्रॉब्लम है या कहीं और से प्रॉब्लम है। देखो चाबी को हम ऑन करते हैं तो हमारा मीटर वगैरह सारी लाइट वगैरह चालू हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर हम सेल्फ का बटन दबाएंगे, हॉर्न तो इसमें बंद है, इंडिकेटर चल रहा है, हॉर्न खराब है, इंडिकेटर चल रहा है, ये देखो इंडिकेटर चल रहा है, लाइट वगैरह सारी जल रही हैं, और इसका अगर सेल्फ बटन दबाते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखो स्टार्ट नहीं हो रही जबकि हमारी बाइक न्यूट्रल है, न्यूट्रल में स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये देखो न्यूट्रल है, न्यूट्रल लाइट जल रही है यहाँ पे, फिर भी हमारी बाइक सेल्फ नहीं ले रही है। ये देखो नई बैटरी डालने के बाद भी ये प्रॉब्लम है कि ये सेल्फ नहीं ले रही है। तो चलो चेक करते हैं, आप लोगों को बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, बट आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो यहाँ पे हमारा रिले मिल जाएगा, सेल्फ का जो स्टार्टर रिले होता है सेल्फ वाला वो यहाँ पर लगा होता है बैटरी के जस्ट पास। अब यहाँ पर ये दो वायर जो मोटी मोटी जाड़ी वाली वायर हैं इनको हमको आपस में टच करना है। तो प्लस लेते हैं और प्लस से इसे जैसे ही टच करेंगे बाइक स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, ये देखो बाइक स्टार्ट हो गई, हमारी बाइक डायरेक्ट स्टार्ट हो रही है, मतलब हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट हो रही है, और जब हम इसका बटन से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अब आप लोगों के मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि इसका जो सेल्फ रिले है वो ख़राब है, तो चलो वो भी लगा के नया दिखा देते हैं आप लोगों को। ये वेरॉक कंपनी का है, ये देखो, तो स्टार्टर रिले जो है हमारा वो भी नया लगा के आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमारा ये है नया रिले ब्रांड न्यू, ये देखो इसे हम अटैच करते हैं और फिर स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं, सेल्फ वगैरह लगा के दिखाते हैं। तो चलो इसे हम यहाँ पे अटैच करते हैं, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी क्योंकि डायरेक्ट से स्टार्ट हो रही है और सेल्फ बटन से स्टार्ट नहीं हो रही। यहाँ पे हमने नया रिले लगा दिया है, अब मैं आप लोगों की शंका दूर करता हूँ। चाबी को ऑन करते हैं और सेल्फ का बटन दबाते हैं, नया रिले लगाने के बाद स्टार्ट हो जानी चाहिए सेल्फ से। तो चलो सेल्फ बटन दबाते हैं, ये देखो अभी भी सेम वही प्रॉब्लम, नया रिले लगाने के बाद भी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है, बाइक न्यूट्रल है, ये देखो सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम, डायरेक्ट किया नया रिले लगा दिया फिर भी सेल्फ नहीं उठा रहा है, डायरेक्ट किया तो स्टार्ट हो जा रही है, नया सेल्फ लगाने के बाद स्टार्ट नहीं हो रही और पुराने में भी स्टार्ट नहीं हो रही है सेल्फ बटन दबाने पर, है ना। तो नया वाला रिले वापस हम चलो लगा ही रहने देते हैं, पहले इसकी वायरिंग आप लोगों को समझाते हैं, इसमें प्रॉब्लम किस जगह पे ये बताते हैं ना, सारा कुछ छोड़ते हैं। यहाँ पे रिले में देखना, यहाँ पे एक वायर आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये ब्लू में जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है, ये ब्लू और ब्लैक ये वाली वायर समझना आप लोग, ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो किस तरीके से दूर करना है। यहाँ पे वायर आप लोगों को दिखाया, अब चलते हैं आगे की तरफ। हेडलाइट मैंने इसीलिए खोल रखा था, ये बटन की जो वायर है यहाँ पे देखो सेम वायर आप लोगों को मिल जाएगी, यहाँ पे ये ब्लू और ब्लैक, ब्लू ज़्यादा होगी, ब्लैक की पट्टी है ये, इस वायर में अब हमको चेक करना, कैसे चेक करना चलो बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे एक वायर ले लेना है, ये वायर ले लिया है ना, अब यहाँ पे लगाना है, यहाँ तक चेक करना है करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले एक वायर हम ब्लू और ब्लैक वाली में लगा देंगे, है ना, यहाँ पे ये हो गया। अब हम जो दूसरी वाली इसकी वायरी उसको इसमें लगाएंगे, जो आसमानी कलर की दिख रही है आप लोगों को, ये वाली वायर आसमानी कलर वाली में, इसको और इसमें दोनों में अटैच कर देंगे तो यहाँ से हमारी बाइक स्टार्ट हो गई। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ तक करंट अगर हमारा आएगा तो हमारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो बाइक का चाबी ऑन कर दिया, यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं इसे, बटन डायरेक्ट हो जाएगा ये समझ लेना, और ये जैसे ही लगाया बाइक स्टार्ट हो गई,
ये देखो बाइक स्टार्ट हो गई। तो अभी हमारा सेल्फ से यहाँ तक तो करंट आ रहा है, इसके आगे जा रहा है या नहीं ये भी चेक करते हैं। चलो यहाँ पे ये जो वायर थी ब्लैक और ब्लू, ये हमारी यहाँ से आई है रिले से, ये देखो ये रिले से आई है। तो इस वाली वायर में करंट यहाँ तक तो आ रहा है ना, यहाँ से अब स्विच में करंट जा रहा है या नहीं तो चलो ये चेक करते हैं, है ना। उसके लिए हमको ये जो स्विच है ये खोलना पड़ेगा। तो चलो पेचकस लेते हैं और पेचकस से ये जो स्विच लगा होता है, यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं, दो स्क्रू खोलोगे तो हमारा जो बटन वाला स्विच है पूरा थ्रोटल वाला जो ऑन ऑफ वाला ये वाला स्विच पूरा बाहर निकल जाएगा। तो चलो अब इसे हम खोल के इसे बाहर निकाल लेते हैं। दो स्क्रू होते हैं, दो स्क्रू खोलोगे ये स्विच पूरा बाहर निकल जाएगा। हाँ, हमको ये चीज़ तो पता चल गया कि करंट यहाँ तक आ रहा है लेकिन बटन से करंट रिटर्न नहीं जा रहा है ना, इसको अर्थ नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस बटन को क्लीन करना पड़ेगा। तो चलो क्लीन कैसे करना आप लोगों को वो बताते हैं। यहाँ पे इस बटन को क्लीन करने के लिए देखो यहाँ तक हमारा करंट आ रहा है, 100% आ रहा है, इसमें से अर्थ नहीं जा रहा है खाली। तो पेट्रोल लेंगे और पेट्रोल से बटन पे मारेंगे, पेट्रोल को बटन पे मारेंगे और इस तरीके से इसको दबाते प्रेस करते चले जाएंगे इस तरीके से। ये देखो अगर बटन से प्रॉब्लम होगी तो ये स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं इसको क्लीन करता हूँ पूरी तरीके से, इसी तरीके से क्लीन करना है। एक ले लेना पेट्रोल, ये देखो पिकिया में पेट्रोल भर लिया है, अभी उसी वाली बटन में मुझे डालना है, सेल्फ वाली बटन में, इधर से और इधर से चारों तरफ से इसको डाल डाल के इस तरीके से दबाते जाना है ताकि जो इसमें जंग जो होती है वो लगी हो बटन में तो वो पूरी निकल जाए, पेट्रोल के जरिए से पूरी निकल जाए। तो इसी तरीके से हमको इसका बटन क्लीन करना है। तो चलो इसे फटाफट से क्लीन कर लेते हैं और देखते हैं फिर सेल्फ स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहले बटन को इसी तरीके से क्लीन कर लेंगे पूरा, क्योंकि ये बटन बाहर नहीं निकलेगा। आप बाहर निकालना चाहोगे तो बाहर नहीं निकलेगा, हमको इसी तरीके से क्लीन करना है। अगर आप ज़बरदस्ती बटन को बाहर निकालोगे तो आपका जो स्विच है वो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इस बटन को बाहर मत निकालना, इसी तरीके से क्लीन करना जैसे मैंने क्लीन किया है। पेट्रोल ले लेना, पेट्रोल से इसी तरीके से धुल के क्लीन कर देना बटन को। अभी हमने ये देखो पेट्रोल से क्लीन कर लिया है। अब हम चाबी को ऑन करते हैं, चाबी ऑन हो गई, यहाँ पे देखो लाइट चल गई। अब इस बटन को दबाएंगे, बाइक स्टार्ट हो गई, ये देखो। तो अभी हमारी जो कमी थी वो थी बटन में ही, ये देखो जैसे दबाएंगे ये हमारी बाइक स्टार्ट हो रही है। वापस से बंद करते हैं, एक बार वापस से चालू करके दिखाते हैं, ये देखो स्टार्ट हो गई। तभी हमारी सारी प्रॉब्लम जो थी वो थी बटन में, यानी कि जो हमारा सेल्फ वाला बटन होता है उसमें प्रॉब्लम थी, उसे हमने क्लीन कर दिया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाकी इसे फिटिंग कर देते हैं अब सारा कुछ। तो चलो फिटिंग करते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्विच है फिटिंग हो चुका है और हमारी बाइक भी स्टार्ट होने लगी है। यहाँ तक देखो हमने करंट कैसे चेक करना है वो आप लोगों को बताया। यहाँ तक अगर करंट आ रहा है डायरेक्ट करने पर बाइक स्टार्ट हो रही है, ये वाली वायर में और जो इसके बगल में उसमें आसमानी कलर वाली में, अगर इन दोनों वायर से करंट हमारी जो बाइक स्टार्ट हो रही है तो समझ जाना हमारी जो प्रॉब्लम है वो बटन में है। क्योंकि यहाँ तक तो हमारा करंट आ रहा है, रिले हमारा करंट यहाँ तक दे रहा है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि वहाँ तक हमारा करंट जा रहा है बटन तक, बटन से जो अर्थ आता है, अर्थ वाली वायर में प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बाकी यहाँ पर अभी हमको रिले पुराना वाला लगा के भी आप लोगों को दिखाना है। तो चलो पहले इसकी जो हेडलाइट है वो कंप्लीट फिटिंग कर लेते हैं और फिर पुराना वाला हम लगाते हैं। यहाँ पे हमने हेडलाइट इसकी फिटिंग कर ली है कंप्लीट, ये देखो कंप्लीट कर लिया फिटिंग और अभी हमारी बाइक स्टार्ट हो रही है। ये देखो सेल्फ से स्टार्ट हो रही, होने लगी है, सेल्फ से जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। ये देखो सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बाकी अब इसका जो पुराना वाला रिले है वो आप लोगों को लगा के चेक करा के दिखाते हैं। अभी तो हमने नया इसमें रिले लगाया था, इस रिले को मैं निकाल लेता हूँ, ये हमारा नया रिले है। अब हम पुराना वाला जो रिले है इसका, ये जो बाइक के साथ में ही लगा था, इसे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसे अटैच करते हैं। देखो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट हो रही है और सेल्फ का रिले चेंज कर दो तो होने लगती है, इसमें नहीं हो रही थी, वो पुराना वाला लगा दिया है। अब सेल्फ स्टार्ट करके देखते हैं, ये देखो पुराना वाला भी रिले हमारा बिल्कुल सही निकला, पुराना वाला जो रिले था वो भी बिल्कुल सही निकला, बाइक सेल्फ से स्टार्ट हो रही है, ये देखो। अब हमारी जो कमी थी वो थी सिर्फ सेल्फ बटन से, ये रिले पुराना ही है, हम इसे ही लगाएंगे, इसे नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हमने इसमें देखो नई बैटरी लगा दिया था, हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी सेल्फ से। अभी हमारी बैटरी प्रॉपर स्टार्ट होने लगी, प्रॉब्लम क्या था इसकी सेल्फ बटन में,
तो बटन को हमने कैसे क्लीन करना है वो आप लोगों को मैंने बताया, और इसकी जो वायरिंग कैसे चेक करना है, करंट की जो ये जो वायर थी ये ब्लू और ब्लैक, यही हमारी मेन वायर है जो हमारी बटन तक जाती है, इसमें करंट आ रहा था और उससे अर्थ वापस नहीं आ रहा था, तो बटन क्लीन किया तो होने लगी स्टार्ट। बाकी अभी की बैटरी ये देखो नई लगाया 2022, बिल्कुल अभी मैंने चेंज किया और सेल्फ की प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी चलो सारी जानकारी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मिल ही गई होगी किस तरीके से आप सही कर सकते हो अगर आपका सेल्फ प्रॉब्लम कर रहा है रिले नया लगाने के बाद, तो इसी तरीके से आप लोग वायरिंग चेक कर सकते हो। बाकी चलो ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके की नई वीडियो मैं लाता रहूँ। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो में।